नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा एक और वैकेंसी निकल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो गृह मंत्रालय की ओर से नई वैकेंसी निकल चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके अंदर फॉर्म भरना चाहें, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, दस कौन सी योग्यताएँ, पूरी डिक्लेरेशन यहाँ पर आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया नोटिफिकेशन आया है। नया नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि क्या फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म होगा या ऑफलाइन फॉर्म होगा, पूरा जानकारी। तो चलिए, मैंने यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं आपको सीधा ले कर चलता हूँ। यस, यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा है। और ये जो 27 तारीख का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन की हम 27 तारीख की बात करेंगे कि क्या नोटिफिकेशन है इनके लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा वैकेंसी जारी की गई है 27/12/2021। यस दोस्तों, यहाँ पर सभी जो डिवीजन्स हैं, सभी डिवीजन्स के अंदर 647 पदों के लिए, कितनी, 647 पदों के लिए वैकेंसी आई है। जनरल 502, एससी 97, एसटी 48, ये वैकेंसी आई है। और ये दे रखा है दोस्तों, यानी सब इंस्पेक्टर, ए एस आई, सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, तो पूरी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो अपना अपना जोन है, जैसे जैसे दोस्तों, जो दिल्ली है, नॉर्थ है, एपीओ है, उसके बाद दिल्ली, मुफस्सर, जम्मू कश्मीर, सीआईएफ, नोएडा, तो इस एड्रेस पे आपको अप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद में वो बात करें अलग अलग, तो यहाँ पर भी अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग अप्लीकेशन दे रखी। और ऑल, देखिए, यहाँ आ गया दिल्ली, यहाँ आ गया मुंबई, उसके बाद आ गया बिहार, क्या आ गया बिहार, बिहार के बाद में दोस्तों चेन्नई वाला पोजीशन, यानी ऑल इंडिया वैकेंसी। ये जो आप बता रहे हैं भैया, ऑल इंडिया वैकेंसी क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में दोस्तों देखिए, ये रांची का है, तो रांची का भी है। उसके बाद में कोलकाता, तो कोलकाता है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी का है। तो ये जोन है, इस जोन के अंदर फॉर्म निकला है, यानी ये वैकेंसी पूरे भारत की है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी क्या है, पूरे भारत की है, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है अप्लीकेशन। यस दोस्तों, एबिलिटी की बात करें, दोस्तों एबिलिटी रूल्स, जो सर्विस एबिलिटी है उनकी बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अपर लिमिट, जो एज है वो आप 35 साल, क्या है 35 साल। और यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना जरूरी, क्या है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। दोस्तों, फिजिकल, जो महिला फिजिकल है और पुरुष फिजिकल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पुरुषों के अंदर 170 सेंटीमीटर हाइट और बाकी 165, महिला कैंडिडेट है या अलग अलग से हैं, यहाँ पर जैसे पहाड़ी इलाकों के अंदर है वहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों, महिला के लिए 157 है, बाकी 155 है। पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वह है 80 से 85, और जो बाकी है 77 से 82 है, वो आपकी चेस्ट वगैरह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, नई नई गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए। यस, अब दोस्तों रहिए वेट के बारे में। उसके बाद में जो ये मेडिकल टेस्ट हैं, 6x6, 6x9, तो मेडिकल टेस्ट तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कर लेंगे दोस्तों। यस, चैलेंजिंग फॉर रिटर्न एग्ज़ाम, यहाँ पर आपका क्या होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी 2019 के जरिए, जैसे 2019 के अंदर हुआ था, तो ये आपका है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में यस, रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 50 नंबर का जीके रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, क्या है, रीजनिंग है 50 नंबर का, जीके है, 50 नंबर की मैथ है, और 50 नंबर का जो कंपलसरी स्केलिंग है। और दोस्तों, 200 क्वेश्चंस का है,
और यहाँ पर 3.5 घंटे, कितने घंटे, 3.5 घंटे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1600 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर है वो 6 मिनट और 30 सेकंड में पार करनी है। 800 मीटर है वो 4 मिनट में पार करनी है। 100 मीटर है वो 16 सेकंड में पार करनी है। हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, यस पुरुषों के लिए। उसके बाद में महिलाओं के लिए भी है, पुशअप है 16, यस। तो दोस्तों ये पूरा फिजिकल थोड़ा हार्ड है। और दोस्तों अब जो बारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट डेट, इसकी लास्ट डेट 5 फरवरी। लास्ट डेट क्या है? 5 फरवरी लास्ट डेट है। 5 फरवरी के दिन आप फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों फॉर्म का पूरा डिक्लेरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 फरवरी लास्ट डेट है, यस। क्या बात है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको भेजना ज़रूरी है, रिकॉर्ड वहाँ पर भेजना ज़रूरी है। रिटर्न एग्ज़ाम, इन सभी का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद में और चलते हैं, क्या अपडेट है। उसके बाद में जो फॉरम है वो मैं फॉरम आपको बताने वाला हूँ, सीधा फॉरम। चलिए ये आपके 27/12 की ऑफिशियल अपडेट, यस। ये आपका फॉरम है, ये जो फॉरम है दोस्तों ये फॉरम भर के आपको भेजना है। ये फॉर्म आपको भर के भेजना है। चलिए दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर, ये छोड़ दीजिए, आपका है नहीं तो आप भरेंगे नहीं, क्योंकि आपका है नहीं तो आप भरेंगे नहीं। रोल नंबर भी आप छोड़ दीजिए, रैंक एक छोड़ दीजिए, यस। ओनली फॉर है, ओनली फॉर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल पद, ट्रेडमैन एबिलिटी, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यस। उसके बाद में अपने नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एससी एसटी कैंडिडेट, रीजनल कौन सा है, उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ, इम्प्रूवमेंट ये छोड़ देना है, यस। उसके बाद ये देख लीजिए पूरी फॉर्म, ये आपका फॉर्म है। और फॉर्म के बाद में ये आपके सिग्नेचर करने हैं, ये आपकी डेट लिखनी है, आपका पैलेस लिखना है, उसके बाद में आपको यूनिट में भेज देना है, यस। ये चीज़ आपको भेजनी है दोस्तों, ये चीज़ आपको भेजनी है। नई नई गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट में जॉब के लिए फिर मिलते हैं। और दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, कोई मन से नहीं बनाया गया, आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है। ये जो पीडीएफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेंटर या फिर CISF, आप वेबसाइट लगेंगे CISF की, तो यहाँ पर भी CISF के माध्यम से रिक्वायरमेंट के ऊपर जाएंगे तो ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी दोस्तों। CISF की यहाँ पर मैसेज, जिसके अंदर ASI LDC की पोस्ट पर दे रखा है। चलिए नए फॉरम में फिल मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।